हम लोगों ने प्लान आउट किया है कि हमारा डिप्लॉयमेंट किन किन घाटों पे किस तरह से रहा, इसको प्लान आउट किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक का जो व्यवस्था है और ट्रैफिक का प्लान जो है उसको भी किया गया है। पहले से ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो आम श्रद्धालु लोग आते हैं उनको कम से कम तकलीफ हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए ट्रैफिक का डाइवर्जन और ट्रैफिक को रोकने का काम किया जाएगा। काफ़ी भारी संख्या में लोग आते हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। घाटों पे सीसीटीवी कैमरे हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, हमारे पास जो अवेलेबल है। इसके अलावा जल पुलिस, एनडीआरएफ की टीमें रहेंगी और पीएसी की फ्लड कंपनी की भी कई टीमें रहेंगी, जिनको विभिन्न सेक्टर्स में डिवाइड करके ये लगातार रिवर पेट्रोलिंग करेंगे और देखेंगे कि कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो। प्लेन क्लोथ में भी हम लोग कुछ डिप्लॉय कर रहे हैं फोर्स, और विभिन्न घाटों पर चेकिंग, फ्रिस्किंग और एएस चेक और डीएफएमडी वगैरह लगा के उसके माध्यम से जो है सघन चेकिंग की जाएगी, ताकि कोई भी अवांछनीय या एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा फ़ायदा ना उठाया जाए। सर, इस दिन देखा जाता है अधिकतर ड्रोन की शिकायत आती है कि ड्रोन लोग उड़ाते रहते हैं, उनको लेकर के कुछ इंस्ट्रक्शन? ड्रोन के बारे में विदाउट परमिशन जो है किसी को भी परमिशन नहीं दी जाएगी। जो ऐसा करते हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।